Bismillah ar-Rahman Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to lecture number 34 of Computer Networks. Dear students, ICMP discussion we finished in the last lecture. Error reporting mechanism that, that ICMP is basically used for. And I told you how ICMP it works with IP. Both IP and ICMP, both the protocols, they are codependent. आईसीएम पी यूज आई पी टू ट्रांसपोर्ट मैसेजेस एंड आई पी यूज आई सी एम पी टू रिपोर्ट इट्स एरर्स अब स्टूडेंट्स इससे पहले आज का लेक्चर हम लोग शुरू करें एज यूल विल गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड विल है प्रीव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स वी वेंट थ्रू स्टूडेंट्स पिछला लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द डिस्कशन ऑफ आई सी एम पी मैसेज ट्रांसपोर्ट और मैंने आपको बताया था कि एक आई सी एम पी मैसेज जो है दैट कंटेन्सर एज वेल एज इट्स पे लोड या फिर डाटा एरिया या आई सी एम पी मैसेज जो है दट विल गो एंड इट विल गेट इनकेप्सुलेटेड इन साइड द आई पी डाटाग्राम आई पी डाटाग्राम के डाटा पोर्शन के अंदर आप पूरे का पूरा आई सी एम पी मैसेज जो है वो इनकेप्सुलेट कर देंगे उसके बाद स्टूडेंट्स यू विल प्लेस द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस इन देडर एरिया ऑफ द आई पी डाटाग्राम आपके पास आई सी एम पी पूरा का पूरा जो है वो आई पी डाटाग्राम के अंदर इनकेप्सुलेट हो चुका है उसके बाद स्टूडेंट्स वट विल डू इज विल इनकेट दिस दिस आई पी डाटाग्राम इनसाइड अ हार्डवेयर फ्रेम और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा मैंने ये डिस्कस किया था कि आई पी एड्रेसेस ऑफ द सोर्स एंड आई पी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन बोथ द आई पी एड्रेस विल विल एक्चुअली परफॉर्म आर बाइंडिंग ऑन दिस टू आई पी एड्रेसेज एंड देन वी विल प्लेस द कॉरस्पिंग हार्डवेयर एड्रेस इन द हार्डवेयर फ्रेम हेडर स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि आपके हार्डवेयर एड्रेस जो हैं वो हार्डवेयर फ्रेम के हेडर में मौजूद हों ताकि आप इस आई सी एम पी मैसेज और कॉरस्पोंडिंगली आई पी डेटाग्राम और फिर अपने हार्डवेयर फ्रेम को जो है अपने फिजिकल नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर सकें स्टूडेंट्स दिस वॉज द आई सी एम पी मैसेज ट्रांसपोर्ट उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन की अबाउट कपल ऑफ टॉपिक्स दैट टॉक्ड अबाउट द यूज ऑफ आई टू टेस्ट डिफरेंट टूल्स इन योर नेटवर्क तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि आई को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं टू टेस्ट द रिचेबिलिटी टू एक्चुअली सी व्हाट होस्ट ऑन द इंटरनेट इज अव वट होस्ट ऑन द इंटरनेट इज प्रेजेंट एट सम्पेसिफिक मोमेंट एंड टू स्टार्ट ऑफ विद टूक एन एक्जाम्पल ऑफ द पिंग प्रोग्राम और स्टूडेंट्स आपने देखा कि पिंग प्रोग्राम जो है दैट इज ग्रेट एग्जांपल दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आई इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेजेस। वेन यू एक्चुअली इन्वोक पिंग ऑन योर प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर व्हाट हैपन् आई द एम प्रोटोकॉल द आई सी सॉफ्टवेयर ऑन योर मशीन इट सेंड्स एन आई सी रिक्वेस्ट मैसेज टू द डेस्टिनेशन मशीन डेस्टिनेशन मशीन अगर रीचेबल है अगर डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचा जा सकता है थ्रू द इंटरनेट तो वट हैपन्स कि आपका आईसीएम पी प्रोटोकॉल या आईसीएम पी सॉफ्टवेयर जो है डेस्टिनेशन मशीन पे इट रिप्लाइज बैक बाई यूजिंग एन आईसीएम पी इको रिस्पॉन्स या रिप्लाई सो योर मशीन विल एक्चुअली इनवोक अ कपल ऑफ पिंग कमांड्स इफ इट डज नॉट रिसीव एनी थिंग इट विल डिक्लेयर दैट the host or the destination that you are trying to reach it is not alive or it is not responding otherwise what will happen is it will give you uh, the message back that the host is reachable and it is alive students that is how you can use icmp messages to test the reachability on your internet so students ek aur badi famous command उसको इंटरप्रेट किया कि किस तरह से आईसीएम उसमें भी रोल प्ले करता है एंड कमांड वाज ट्रेस राउट और मैंने आपको बताया कि किस तरह से टाइम एक्सीडेड एरर यूज करते हुए आप लोग जो हैं वो आईसीएम को यूज कर सकते हैं टू ट्रेस अ राउट फ्रॉम योर सोर्स मशीन टू अ डेस्टिनेशन मशीन स्टूडेंट टाइम एक्सीडेड मैसेज जो है वो उस वक्त भेजा जाता है वेन एन आई डेटाग्राम इज एक्चुअली डिस्कार्डेड और व You do not receive any fragments on the receiving host. So, time exceeded message is concept ko use karte hai. What your source machine does is it sends a, a message, an IP datagram, in which the TTL field is set to 1. It reaches the first router, the first router receives the IP datagram, decreases the TTL field by 1, the TTL field gets 0. और जब भी जीरो होगी तो यह पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेन दिस टीटीएल टी फील डिक्रीजेस और गेट्स टू जीरो योर आईपी डेटाग्राम विल बी डिस्कार ऑटोमेटिकली एन आई टाइम एक्सीडेड एरर मैसेज विल बी सेंट बैक टू दोर्स तो फ्रेंड्स जब ये आईपी पी डेटाग्राम जिसमें एक आईसीएम टाइम एक्सीडेड मैसेज जो है वो राउटर आपको भेज रहा है सोर्स पे वापस जैसे ही ये सोर्स को मिलेगा जैसे ही आपकी मशीन को मिलेगा तो आपकी मशीन क्या करेगी कि उसके हेडर में जाएगी आई पी डेडाग्राम के उसमें से सोर्स का एड्रेस एक्सट्रैक्ट करेगी और आपके ट्रेस राउट के कमांड में कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको पहला राउटर दिखा देगी दैट द फर्स्ट हॉप इन द वे फ्रॉम योर मशीन टू द डेस्टिनेशन इज दिस राउटर एंड स्टूडेंट सो ऑन सेकेंड राउटर को आप टेस्ट uh, करने के लिए उसका राउट ट्रेस करने के लिए सेकेंड राउटर तक पहुंचने के लिए वट यू विल डू इज यू विल सेट द टी टी एल फील टू टू पहला राउटर उसे बाय वन डिक्रीमेंट करेगा सेकेंड राउटर उसे uh, जीरो कर देगा एंड अल्टीमेटली दिस आई पी डाटाग्राम विल बी डिस्कार्डेड एंड एन आई सी एम पी मैसेज विल बी सेंड बैक टू द मशीन तो इस तरह से बट यू कैन डू इज यू कैन कीप ऑन सेंडिंग द आई पी डाटाग्राम्स डेट एक्चुअली कैरी द टी टी एल फील्ड दैट इंक्रीज द टी टी एल फील्ड वन बाय वन और इस तरह क्या होगा कि आपके पास जितने भी राउटर्स जो हैं जो उसको टी टी एल को डिस्कार्ड करेंगे दे विल अल्टीमेटली

एप्लीकेशन जिसके बाद हमने इस डिस्कशन को खत्म किया था आईसीएम की दैट वाज हाउ टू फाइंड आउट द पाथ एमटीयू पाथ एमटीयू का यू कांसेप्ट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पाथ एमटीयू टी इज एक्चुअली द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इट्स द एमटीयू ऑफ द नेटवर्क दैट इज द मिनिमम अमाउंट वेन यू एक्चुअली गो फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन यानी डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क अगर आपके लाए कर रहे हैं बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन तो सो सबसे मिनिमम MTU होगा किसी भी फिजिकल नेटवर्क का ऑन द पाथ ऑन द वे दैट विल बी शोन एज योर पाथ MTU तो so स्टूडेंट्स ICMP को हम लोगों ने यूज किया था फॉर द डिटेक्शन और टू फाइंड आउट दिस पाथ MTU और मैंने आपको बताया था कि ये हम किस तरह से करेंगे ये हम इस तरह से करेंगे कि बजाय इसके कि आपका राउटर जो है वो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करे हम सेंडिंग कंप्यूटर से कुछ ऐसा प्रोसेस कुछ ऐसा प्रोसीजर अडेप्ट करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े स्टूडेंट्स so, इससे क्या फ़ायदा होता है इफ़ यू अवॉइड फ्रेगमेंटेशन देन यू आर एक्चुअली सेविंग द द एक्सपेंसिव सीपीयू टाइम यू आर सेविंग ऑल द रिसोर्स इन द राउटर दर एक्चुअली परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज यू आर सेविंग द सी टाइम एंड द रिसोर्स ऑन द डेस्टिनेशन या फिर रिसिविंग होस्ट जिसने दोबारा से फ्रेगमेंट्स को रिसीव करके उनको एक uh, कॉमेडेबल मेसेज की शक्ल में दोबारा से कम्बाइन करना है so, students, आपका जो सेंडिंग होस्ट है इट टेक्स अ फिक्स साइज डेटाग्राम और उसके बाद इस डेटाग्राम को वो भेजेगा ऑन इट्स पैथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अब स्टूडेंट्स जब ये सोर्स डेस्टिनेशन की जानेब यह आपका डेटाग्राम भेजा जाएगा तो इसका एक फिक्स आई पी डेटाग्राम का साइज होगा लेट सपोज इट रीच इज द फर्स्ट राउटर

Students router it will receive that IP datagram, it will see the flag field set in the header, aur uske kya it will discard that IP datagram and it will send an ICMP error message back to the source. So students, this is how you can actually use that set flag field and the ICMP messages to detect the minimum MTU of the physical network on the way. या पाथ एम डिटेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अवॉइड द फ्रेगमेंटेशन बोथ इन द राउटर एज वेल एज इन द रिसीविंग होस्ट स्टूडेंट्स ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर अब आज के लेक्चर में हम लोग uh, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स अगले दो चैप्टर जो है दे एक्चुअली टॉक अबाउट टू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स बोथ ऑफ दर प्रेजेंट इन यूर टीसी पी प्रोटोकॉल सूट दोनों जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं इनको एक एक चैप्टर डिवोट किया गया है आपकी टेक्सट बुक में इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपी पी मैंने आपको बताया था कि दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जिनकी हम बात करेंगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी दे आर यू द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड द टी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्टूडेंट इन अंस टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग The discussion that we are starting that will finish up your basic understanding of the TCP/IP protocol suite. Why? IP, which is Internet Protocol, IP version four, that is the current version. Is ki detailed detail in log ne discussion ki hai pichle 4-5 lectures mein. Uske our students, aap ne ek future IP, that is IPv6, that is already under research. that is about to come. So, IP ke portion ko ham log ne boh detail se cover and when you talk about the TCP IP protocol, the rest of the portion is TCP, the transmission control protocol, and that is one of your transport protocols that is present in this TCP IP suit. Students, discussion start carrying We will start talking about the first transport protocol today, that is UDP user datagram protocol. And the next chapter, whenever we reach there, that will talk about the TCP, that is the more famous.

द इंटरनेट प्रोटोकॉल आपने बहुत डिटेल में आई पी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं आपने बहुत डिटेल में आई पी की कैपेबिलिटीज को स्टडी किया है बुक नेक्चुअली टेक्सट बुक गेव यू अ वेरी इनहैंस्ड आइडिया ऑफ वट हैप इन आई पी बट स्टूडेंट्स आई पी जो है दैट एक्चुअली हैज वन स्मॉल डिफिशंसी डिफिशंसी मैं इसको नहीं कहूंगा बट इट हैज वन स्मॉल स्पेसिफिकेशन दैट प्रोहिबिट्स यू फ्राम एक्चुअली एक्सेसिंग एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर्स एप्लीकेशन की बात करता हूं तो आपने यह देखा था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में जब हमने इसकी लेयर देखी थी द टॉप मोस्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद यूर ई मेल दट एन एप्लीकेशन यूर ट्राइंग टू एक्सेस सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूर रनिंग अफिक सॉफ्टवेयर ऑन यूर मशीन यूर ट्राइंग टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशन दे कैन रन साइमल्टेनियसली ऑन अल मशीन अब स्टूडेंट्स आई पी जो है ऑल दो इट इज केपेबल इनफ टू एक्चुअली राउट थ्रू द इंटरनेट एंड इट केन टेक यू ऑल द वे टू योर डेस्टिनेशन कंप्यूटर लफ्स पे गौर कीजिएगा इट कैन टेक यू फ्रॉम योर मशीन योर कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर द कंप्यूटर इज इन कोर्ट्स स्टूडेंट्स कंप्यूटर से आगे वंस यू एक्चुअली रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर देन comes the stage when you actually have to go and access a specific application on that computer. So students, this is where the IP does not work. So students, we have to have some kind of protocol, we have to have some kind of mechanism that can actually specify that if agarham source मशीन से इस सोर्स कंप्यूटर से अगर हम उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहें तो वी नीड समथिंग मोर देन दिस आईपी वी नीड सम मोर एड्रेसिंग स्कीम्स वी नीड सम मोर प्रोसीजर्स दैट कैन एक्चुअली टेक अस टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन दैट डेस्टिनेशन कंप्यूटर दिस इज वेयर यू नीड योर यूडीपी अब जब यूडीपी की हम लोग बात करेंगे तो यूडीपी के फिनैरियो में मैंने आपको आ, ये भी देखना जरूरी है कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये आईपी में शॉर्टकमिंग तो दी लेकिन ये क्यों है व्हाट्स द रीजन फॉर दैट स्टूडेंट्स आपने ये देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउटी फोर या आई पी वी सिक्स जब आईपी के हेडर की हम बात कर रहे थे ओनली स्पेसीफाई द प्रोविजन ऑफ स्पेसीफाइंग द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस वहाँ पर कुछ भी ऐसी एक्सटेंसिबल इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर कुछ भी ऐसी एडिशनल इन्फॉमेसन मौजूद नहीं है जो कि हमें यह अलाउ करे कि हम लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर दें अपनी रिक्वेस्ट को हमारा कंप्यूटर सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर आई पी के ज़रिए हम कुछ भेज रहे हैं तो वो बजायस के सिर्फ उस कम्प्यूटर तक पहुँचे वो उस कम्प्यूटर पर चलती हुई किसी भी एप्लीकेशन पर चली जाए ऐसा कोई मेकनिज़म हमारे आई पी हेडर में ऐसी कोई फील्ड हमारे आई पी के हेडर में मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स दिस इज द रीजन वी नीड समथिंग मोर देन आई पी टू एक्सेस द एप्लीकेशन स्टूडेंट्स यू डी पी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दिस इज वन ऑफ द प्रोटोकोल्स दैट इज प्रेजेंट इन द टी सी पी आई पी सूट और बिकॉज दिस प्रोटोकोल्स अलाउज एस टू एक्सेस एन एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर यह आपको अलाउ करती है कि आप एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें या फिर दो एप्लीकेशन एक जो आपके कंप्यूटर पर रन हो रही है और एक जो डेस्टिनेशन के ऊपर चल रही है दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकें बहुत सारी एप्लीकेशन जो इधर रन हो रही हैं बहुत सारी एप्लीकेशन जो यहाँ पर रन हो रही हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स डेट आर यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स और द एंड टू एंड प्रोटोकॉल्स And students, the first end to end protocol aapko bataya, that we are going to talk about in this chapter, in today's lecture, starting from today's lecture, that is the User Datagram Protocol ya UDP. Students, we have discussed IP and transport protocols and IP in the slide and we will sum up by using different points on our slide and then we will move forward and start over with the main topic of the UDP. So, students, as you can see on the slide, this is basically uh, the terminology that I have just explained. IP IP. IP, students, that provides computer-to-computer -computer communication. no provision of actually accessing any applications on the computers out here. So it just provides the computer-to-computer -computer communication. After students, that the source and destination addresses are computers. So, nothing is provisioned as I have told you that can actually allow you to access different applications on the machines. So, students, IP, when we talk this type of protocol, the IP protocol, it is known as a machine to machine protocol or it can be called as a machine to machine protocol. Now, students, joo, transport protocols, hai, jinko pehle hi, tak introduce ya, apko, they provide the application to application communication. And therefore, because they want to access something more than the destination computer, they want to go further beyond this machine concept. So, they need extended addressing mechanisms to identify applications. So, we need that in the case of transport protocols, and that is why we are going into the discussion of this UDP and TCP. And students, because they can access applications, so you can communicate between Two applications on two computers, these type of protocols are also known as the end to end protocols. Uh, students, though, types of protocols, UDP and TCP both are present in the TCP IP protocol suite. Students, UDP, that is easier um, and it is very, you know, non complex, it is very um, you know trivial to actually implement, and it is very easier to understand. So that's uh, one of the, you know, the pros, one of the advantages of this specific transport protocol. Our students, why do we need, if UDP was easier and it was very trivial to implement, then why did we need the TCP? Students, the reason for that is, I will explain karungas point UDP that does not provide the same type of actually the interface or the exact transport protocol that an application expects on your computer. और ये पॉइंट जो है कि ये ड्रॉबैक जो है ये मैं आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी स्टूडेंट्स स्लाइड we'll we'll so so के जाने चलेंगे एंड विल लुक एट विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस यूडीपी प्रोटोकॉल बाय स्टडिंग सम ऑफ इट्स मेजर करेक्टरिस्टिक्स लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड स्टूडेंट्स स्लाइड में देखिएगा कि सबसे पहले आपका जो यू है दैट इज एंड टू एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट यू as i told you is a transport protocol and this can distinguish between multiple application programs uh, that are running on any two computers so it provides you with an application to application interface and that's why we call it as a end to end protocol students connectionless the udp is connectionless students connectionless means your interface udp you provide karega aapki application ko that will follow a connectionless Paradigm, and uh, I'll talk about the UDP connectionless paradigm in a little bit. Uh, we'll study it in the form of a topic in a little while. First, friends, message-oriented is very important point. You see that messages, jo ke send are sent from your source computer, source machine, to the destination computer or the destination machine, they are exactly transmitted in the same format of messages as they originate from the source computer. तो मैं इस पॉइंट को भी आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा और आप ये देखेंगे कि यूडीपी के केस में आपके मैसेजेस जो है दैट आर नॉट डिवाइडेड इनटू पैकेट्स इन दिस केस जिस तरह से मैसेज आपका ओरिजिनेट होगा फ्रॉम अ सोट्स मशीन इट विल बी ट्रांसमिटेड इन द सेम वे इन द सेम फॉर्म टू द रिसीविंग कंप्यूटर उसके स्टूडेंट्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी तो द रीजन यूडीपी

दो एप्लीकेशंस जो आपकी आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं यू कैन अलाउ वन एप्लीकेशन ऑन वन मशीन टू इंटरैक्ट विद एक्जैक्टली वन एप्लीकेशन ऑन द रिसीविंग मशीन सिमिलरली दिस इंटरैक्शन कैन बी वन टू मैनीकेशन टू मैनीकेशन सिमिलरली मैनी एप्लीकेशन टू सिंगल एप्लीकेशन एंड सो ऑन तो इंटरेक्शन जो है दैट कैन बी आरबिटरी वैन इट कम्स टू यू डी डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर उसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट देख लें इस पॉइंट को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो मींस मौजूद हैं टू आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस पॉइंट को भी आगे चल के मैं और एक्सप्लेन करूँगा इसी चैप्टर में कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दे इट इट समाइम्स इट यूज डिफरेंट आइडेंटिफायर्स So, a different type of a network has a different type of an identifier that it uses to specify applications running on that computer. So, students, UDP, jo hai, because it has to map through, it has to pass through numerous types of networks to take a message, a UDP message from the source computer to the destination computer, so, it depends on the underlying operating system, un it cannot use those जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर यूज हो रहे हैं इट हैज़ टू बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, सो दैट इट कैन प्रोवाइड व्हाट यू कॉल एन एप्लीकेशन इंटरफेस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन आइडेंटिफायर तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ आ, एक समरी थी एक ब्रीफ ओवरव्यू था ऑफ द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू अब जैसे जैसे हमारी डिस्कशन जो है वह आगे बढ़ेगी

जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आल्सो टॉक्ट अबाउट दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी, तो आपका यूडीपी जो है दैट इज आल्सो कनेक्शनलेस। द द पैकेट्स इन दिस केस दे डू नॉट और द मैसेजेस इन दिस केस दे डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक पैथ यू डोंट नीड टू यू डज नॉट नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर इट स्टार्ट सेंडिंग द मैसेज तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है इट सेव्स टाइम उसके बाद स्टूडेंट्स वंस यू आर डन विद सेंडिंग ऑल द मैसेजेस नो नीड ऑफ टर्मिनेटिंग द कनेक्शन अगेन यू आर सेविंग टाइम उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट कम्स अंडर दिस कनेक्शनलेस पैराडिगम थिंग दैट इज के आपके यू डी के के केस में मैसेजेस के درمیان यू कैन हैव एन आर्बिट्ररी लॉन्ग इंटरवल्स बाकी केसेस में आपने देखा था डेटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में ये पढ़ा था कि जब भी वेन यू आर डीलिंग विद दिस आई पी और वेन यू डीलिंग विद द ट्रांसमिशन दैट इज कनेक्शन लेस तो आपके जो गैप्स हैं बिटवीन योर ट्रांसमिशन दे आर फिल्ड अप विद आइदर द दीरोज आर्बिट्री नंबर ऑफ और दे आर फिल्ड विद सम स्पेसिफिक कंट्रोल मैसेजेस स्टूडेंट्स यू के केस में यू डू नॉट नीड कंट्रोल मैसेजेस

अगर आपको साथ कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल मैसेजेस भी उसके साथ भेजना पड़े तो वट यू डू इज वट दे व्हाट दिस कंट्रोल मैसेजेस जो दे एड अप टू द ओवरहेड ऑफ द ट्रांसमिशन इन द केस ऑफ यूडीपी, दिस इज नॉट द केस इस केस में आपके पास सिर्फ डाटा मैसेजेस अवेलेबल हैं यू डो नॉट नीड कंट्रोल मैसेजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली यू विल एंड अप विथ वेरी स्मॉल ओवर हैड अब थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन uh, करेंगे अबाउट द यूडीपी मैसेज इंटरफेस स्टूडेंट्स यूडीपी का जो मैसेज इंटरफेस uh, है मैसेज इन टू पैकेट एंड दिस समाइम्स दिस इज हेल्पफुल दर टाइम्स दिस विल एक्चुअली यू नो रिजॉल्ट इन टू समम्स दोनों एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स बताने का मकसद यह है कि जो भी यू डी पी मैसेज आपका ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द सोर्स मशीन इट विल बी ट्रांसमिट इज ट्रांसमिटेड एज इट इज विदाउट ब्रेकिंग इट इन टू पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर डेस्टिनेशन के ऊपर भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि यू आर ट्राइंग टू यू नो जैसे आप फ्रेगमेंट्स को दोबारा से लेकर एक मैसेज बनाते थे उसकी भी जरूरत पेश नहीं आएगी बिकॉज यू आर ट्रांसमिटिंग एग्जैक्ट मैसेजेस एज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्राम द सोर्स मशीन To the destination. Our students, it's message interface can use. Because as I've told you, there are some advantages, there are some disadvantages. So we'll go on to the slide and we'll check these advantages and disadvantages out. That what is the advantage of using this message interface? Students, as you can see on the slide, you advantages ko pele dekh In this case, your application. The advantage of using this message-oriented interface is that your applications. कैन डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व डेटा बाउंड्रीज स्टूडेंट्स इस केस में इसका मतलब क्या है कि यह देखें कि आपकी जो एप्लीकेशन है अगर उसके मैसेजेस को उसके डिफरेंट मैसेज को हम छोटे फ्रेगमेंट्स में छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दें तो दैट एप्लीकेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व द बाउंड्रीज ऑफ दैट स्पेसिफिक मैसेज बिकॉज उसके बाद, बाद जो है वो किसी ऐसे मैकेनिज्म पे आ जाएगी दैट इज रनिंग ऑन द रिसीविंग एप्लीकेशन दैट इज रनिंग ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर एंड दैट एप्लीकेशन इज सपोज टू कंबाइन ऑल द पैकेट्स बैक टुगेदर एंड देन फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज तो यूडीपी केस में एडवांटेज हमारे पास क्या है कि चूंकि हम लोग मैसेज को पैकेट्स में ब्रेकअप ही नहीं कर रहे तो आपकी एप्लीकेशन जो है दे केन डिपेंड ऑन दिस प्रोटोकॉल दे केन डिपेंड ऑन यू सो दैट

लेक्चर्स में कर रहे हैं ये डिस्कशन हम लोगों ने आईसीएमपी में भी की थी कि आपका आईपी डेटाग्राम साइज जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स कॉन्सिक्वेंटली इट डिपेंड्स ऑन द एम साइज ऑफ द फिजिकल नेटवर्क्स तो नेगेटिव साइड पे आप ये देखें क्योंकि आपके यूडीपी का मैसेज साइज जो है वो वही होगा जो कि ओरिजिनेट होगा फ्रॉम दोर्स मशीन सो इट मस्ट फिट इन अ सिंगल आई डेटाग्राम और स्टूडेंट्स बिकॉज इट मस्ट फिट इन टू दैट सिंगल आई पी डाटाग्राम सो इट कैन रिजल्ट इन टू एन इन एफिशेंट यूज ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क अब स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम ये देखें कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन जो है अगर वो बहुत छोटे मैसेजेस भेजेगी तो इस केस में क्या होगा कि आपके डाटाग्राम जो हैं जो आई पी डाटाग्राम्स हैं दे विल हैव अ लार्ज रेशो ऑफ हैडर टू डाटा and students that is not good that will ultimately add up to your overhead and that will ultimately add up to the extra bits being carried with your useful data dusri side pe students agar koi application jo extremely large messages bheje yani dono extremes extreme some dekh rahe hain ek taraf extremely small messages bheje tab B we we do have a disadvantage and then if an application sends extremely large messages still your resulting datagram can be larger than the network MTU. It can be larger than the path MTU, and so it will need fragmentation. Students, this IP datagram size, the compulsion that your UDP message IP datagram fit ho that can lead to some disadvantages that are associated with this specific protocol. अब फ्रेंड्स एक और बिफोर वी एक्चुअली लीव दिस टॉपिक एक छोटी सी और जो है ना इस बारे में इस टॉपिक का एक और डायरेक्शन जो है उसको भी स्टडी कर लें एंड दैट डायरेक्शन इज दैट व्हेन यू अलाउ द यू मैसेजेस टू बी लार्ज तो एन इंटरेस्टिंग फीचर कम्स अहेड अब फ्रेंड्स नॉर्मली ये हम ये मैं कहता हुआ आया हूँ पहले भी जब से हमने आई की कंप्यूटर नेटवर्क की डिस्कशन को स्टार्ट किया है तो वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है जो आपका नेटवर्क इंजीनियर है इट कैन एक्चुअली अचीव हायर एफिशिएंसी बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटास यानी जितना ज्यादा आपका पेलोड साइज होगा जितना ज्यादा आपका डेटा साइज होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट आपकी ट्रांसमिशन होगी बिकॉज आपकी जो हैडर टू डेटा जो रेशो है वो जितनी कम होगी उतना एफिशियंट आपका सिस्टम होगा नॉर्मली तो इंकरेज किया जाता है कि आपके प्रोग्रामर्स जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दे आर एनकरेज टू सेंड लार्ज डेटा इन साइड दूडीपी केस में आप ये देखें कि अगर आप लार्ज मैसेज भेजना चाहेंगे तो इट लीड्स टू लेस एफिशियंसी बजाय इसके कि आपकी एफिशियंसी ज्यादा हो आपकी एफिशियंसी कम हो जाती है बिकॉज दीज लार्ज मैसेजेस दे कैन कॉज फ्रेगमेंटेशन अब स्टूडेंट्स एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है यूडीपी के अंदर स्पेसिफिकली यूडीपी के अंदर इस फ्रेगमेंटेशन का वो ये है कि इन दिस केस फ्रेगमेंटेशन जो है वो बजाय इसके राउटर पे हो या बजाय इसके किसी और जगह पे हो फ्रेगमेंटेशन आपके सेंडिंग कंप्यूटर पर ही करने की जरूरत पेश आ जाती है फ्रेगमेंटेशन इट शुड बी परफॉर्म ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर यूडीपी जो है वो पूरे मैसेज को एक यूजर डेडाग्राम आई पी डेडाग्राम में प्लेस कर देगा और उसके बाद इसको इनकेप्सुलेट कर देगा इन एन इंटरनेट आई पी डाटाग्राम एंड देन बिफोर इट एक्चुअली कैन भी ट्रांसमिटेड अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो बिफोर इट कैन एक्चुअली भी ट्रांसमिटेड विद इन द सेम नेटवर्क एज द सोर्स कंप्यूटर्स नेटवर्क तो वहां पर भी उस मशीन को इसकी फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ेगी इवन बिफोर दिस डाटाग्राम इज सेंट दिस इज द एडवांटेज एंड डिसवानज ऑफ यूजिंग द मैसेज ओरिएंटेड स अब स्टूडेंट्स मैसेज इंटरफेस आपने देखा मैसेजेस हम ब्रेक डाउन नहीं करते नॉट दे आर कम्बाइंड ऑन द रिसीविंग एंड एंड वी आल्सो हैव सी सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस अब स्टूडेंट्स कुछ यूडीपी की कम्युनिकेशन समैनटिक्स को देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है तो मैंने आपको बताया था कि यू यूज द सेम बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिमेंटिक्स एज आई पी स्टूडेंट्स आईपी के केस में मैंने आपको जब ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की हम लोगों ने बात की थी तो इसका भी जिक्र किया था कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का मतलब यह है दैट आई पी विल मेक द बेस्ट अटेम्प्ट टू डिलीवर द पैकेट टू द डेस्टिनेशन बट स्टिल द पैकेट कैन बी लॉस्ट दे कैन बी डिलेड दे कैन बी डुप्लीकेटेड So we need extra Myers to actually deal with this kind of a situation. Yep, students, UDP, because it also uses the same best effort semantics. So it also has to deal, it had, also has to be prepared to actually deal with such situations. So, students, uh, two cases, uh, uh, UDP ko use karte is best effort uh, possibility ki vaihe, in errors ki vaihe, in problems ki vaihe, that can originate. Number one that there should be. सम एक्स्ट्रा मईर्स दैट मस्ट भी टेकन विद द यूडीपी यूडीपी प्रोटोकॉल जो है कुछ एडिशनल रिसोर्स को यूज करे टू एक्चुअली प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम फ्रॉम हैपनिंग या फिर आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है इट इट इज सपोज टू हैव सम्पेसिफिक मेथड सम स्पेसिफिक मेकनिजम्स दैट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट दीज एर अब स्टूडेंट्स दो छोटी सी डिफरेंट सीनैरियोज को देखेंगे एक ियो हमारा जो है वो ऐसा सनेरियो है कि जिसमें आपकी दोनों साइड पे मैंने आपको बताया कि या तो बेस्ट एफर्ट को यूज करने के लिए या तो आपका यू का जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी एरर टॉलरेंट दैट शुड बी प्रॉब्लम टॉलरेंट या फिर दूसरे एंड पर दे वी शुड हैव यू नो एक्स्ट्रा मैकेजम्स दैट आर इंस्टॉल टू एक्चुअली डिटेक्ट एंड करेक्ट दीज एर फिर दोनों की दोनों साइड्स की हम लोग एक को एक एक एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे पहले केस में स्टूडेंट्स वी हैव, वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो ट्रांसमिशन और ये एग्जाम्पल है कि जिस केस में आपकी प्रॉब्लम टॉलरेंट या एरर टॉलरेंट किस्म की इन्वायरमेंट है अब स्टूडेंट्स ऑडियो ट्रांसमिशन के केस में भी यू यू हैव एवरीथिंग दैट इज स्ट्रीमिंग थ्रू बट स्टिल अगर आपके ऑडियो ट्रांसमिशन के दरमियान रास्ते में कुछ पैकेट्स कुछ मैसेज जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाए कुछ लॉस्ड हो जाए तो द मैक्सिमम थिंग दैट कैन हैपन इज यू आर गोइंग टू हेयर अ पॉपिंग साउंड इन बिटवीन दैट ऑडियो दैट ऑल्व तो ये जो आपकी मिनिमल ओकेजनल मिनिमल किस्म की आपकी प्रॉब्लम एरर जो कि उस ट्रांसमिशन में आ सकते हैं दे कैन बी कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड तो मैं नहीं कहूंगा दे आर टॉलरेंट दे कैन बी टॉलरेटेड लेकिन स्टूडेंट्स इन्हीं छोटे छोटे एरर्स को वी कैनोट समाइम्स टॉलरेट दिस काइंड एर इन अदर एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल दूसरी साइड की एग्जाम्पल देख लें दैट इज एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन अब स्टूडेंट्स इस तरह की एप्लीकेशन में हम इस तरह के एरर्स जो हैं छोटे छोटे जिसमें कि डुप्लीकेशन लिट से इन्वाल्व हो वी कैनोट अफोर्ड दैट एंड द रीज़न फॉर दैट इज अगर आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट पर जाकर इफ़ यू प्लेस एन ऑर्डर and somehow on the very back your message is duplicated so that will ultimately result into two orders instead of one and the, the, the company or the website where you are actually placing that order that website will charge your credit card that will charge you twice instead of just charging you once students we cannot there are two different types of environment

आपको बात की थी एप्लीकेशंस ऑन द यूजिंग द यूडीपी दे कैन एक्चुअली इंटरक्ट विद ईच अदर इन एन आर्बिट्री मैनर स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे इंटरेक्शन से हमारी क्या मुराद है स्लाइड द यूडीपी इट बेसिकली फॉलोज फोर टाइप्स ऑफ इंटरक्शन इसमें आपके पास वन टू वन इंटरैक्शन मौजूद है देन यू हैव वन टू मैनी Then you have many to one, or you can have many to many. Now, students, in case, one to one interaction uh, that is present in the UDB. In this case, your application that is one to one interaction that your application will interact with exactly one other application on the destination computer. Similarly, students, your application it can also choose. One application to interact with many applications on the destination computer. In This case is application, it will send messages to multiple recipients, or it can send your messages to multiple destination computers or applications that are running on the receiving computer. Similarly, students, you can also have a many-to-one interaction, and in this case, the application. Receive messages from multiple senders, and finally, we also have a many-to-many -many interaction. In this case, we can have we can exchange your application uh, can exchange messages with one another on a many-to-many -many basis. So, these four, interactions, you have, one to one-to-one, one-to-many, many-to-one, and many-to-many. -many. Uh, students, this was the type of interaction that we talked about. अगला टॉपिक जो हमारा है उसमें हम बात करेंगे अबाउट द सपोर्ट ऑफ यूडीपी फॉर यूनिकास्ट द सपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर मल्टीपा मल्टी एंड ब्रॉडकास्ट स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ऑफ वन टू मेनी इंट्रैक्शन की जिसको हमने पिछली स्लाइड uh, में भी देखा था तो इस केस में योर यू डी पी इट कैन डू इसम्पल तरीका इसका ये है बजाय किसी मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट यूज़ किए बगैर इसका तरीका ये है कि एक ही मैसेज जो है उसको बारी बारी सब रेसिपिएंट्स को सब डिफरेंट मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेज दिया जाए अब नॉर्मली दिस इज द वे दैट यू शुड गो बट दिस एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ लॉट मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू यूजिंग अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस In इस केस में हर बार आपका सेंडिंग एप्लीकेशन जो है वो क्या करेगी कि एक आईपी पी डाटाग्राम एक यूडीपी मैसेज बनाएगी उसको आईपी पी डाटाग्राम में रखेगी और उसके बाद उसको एक हार्डवेयर फ्रेम में इंबेड करके और उसके बाद बारी बारी दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर ऑल द रेसिपियंट्स ऑन विच डैट यू मैसेज इज सपोज टू गो अब फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है कि आपका यू जो है दैट सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीकास्ट बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ही यू कैन सेव योर रिसोर्सेज यू कैन सेव दीपीयू टाइम बाय जस्ट क्रिएटिंग वन यू डी पी मैसेज एंड यूजिंग द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन दस जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा दैट कैन बी अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड वट इट कैन डू इज इट विल ऑटोमेटिकली टेक द स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू ऑल देंडर प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक नेटवर्क

To all the machines that are present on my network. Similarly, students, you can also use a multicast address up submachines ko sub different recipients ko you a specific group identify kar a group specify kar saktain or a group ko a multicast address, and if you want to send uh, some message from an application to that group, so you can use that. मल्टी कास्ट एड्रेस टू सेंड दट स्पेसिफिक मैसेज तो स्टूडेंट्स ये हमारी यू डी पी की सपोर्ट थी फॉर यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट एंड मल्टी कास्ट एंड यू कैन यूज ऑल ऑफ दिज मैसेज टू सेंड द यू डी पी मैसेजेस अब स्टूडेंट्स कुछ बात करेंगे अबाउट द एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन या फिर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह से आपका जो यू डी पी प्रोटोकॉल है इट विल स्पेसिफाई At destination, or it will specify a certain application on the destination computer. There is identification mechanism required that we use the endpoint or application that we identify kar on the receiving computer. Students, this is uh, what we are going to talk about, and the, the method that we are going to discuss that UDP uses that is by using the protocol port numbers. स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स जो हैं ये यूज होते हैं टू एक्चुअली स्पेसिफाई अ अटन एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि वाई द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ कैन सेंडिंग कंप्यूटर इट कैन एक्चुअली स्पेसिफाई सर्टन एप्लीकेशन ऑन द रिविंग एंड स्टूडेंट्स डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यू डी पी जो है इट कैन नाट यूज़ द सेम मैकेजम और द सेम आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एज यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी वजह क्या है उसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि यू डी पी मैसेज जो है इट हैज़ टू गो थ्रू मल्टीपल नेटवर्क इट हैज़ टू गो थ्रू डिफरेंट नेटवर्कस टू एक्चुअली गो फ्राम योर सोर्स टू द डेस्टिनेशन आप स्टूडेंट्स डिफरेंट जो आपके नेटवर्कस हैं दीज Different networks they use multiple types of identifiers to specify applications. So students, there is no common mechanism that exists. On some networks, you use the concept of the protocol identifiers, sometimes you use job names, the other time you use task identifiers. So there is no way that your UDP method will adapt with the operating system. In order to specify a certain application, because her network pe a aapke UDP message ne pass karna hai that uses different types of identifiers. Students, hal hai? The solution to that is that your UDP it specifies a certain type of identifiers that are called as the protocol port numbers. Students, your protocol port numbers jo they are used to identify some specific applications on the receiving computer. एक बड़ी इन्सड किस्म की लिस्ट जो है वो मौजूद है विद दिस यू डी पी एंड यूजिंग दैट स्पेसिफिक लिस्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोटोकोल पोर्ट नंबर दैट दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अर्टन एप्लीकेशन यू कैन स्पेसीफाई दैट एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन कम्प्यूटर अब स्टूडेंट्स प्रोटोकोल पोर्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आइडेंटिफिकेशन मैथड यूज कर रहा है दैट डज नॉट नो अबाउट द प्रोटोकोल पोर्ट नंबर तो क्या होगा हर वो कंप्यूटर जो कि इंटरमीडिएट कंप्यूटर है एवरी मशीन दैट यूज यूडीपी दैट प्रोवाइड्स अ मैपिंग बिटवीन द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड इट्स ओन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैकेजम अगर कोई मशीन जो है वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर यूज कर रही है तो वो उसके पास एक मैपिंग मौजूद होगी इफ इट्स यूजिंग यू उसके पास एक मैपिंग मौजूद होगी जो कि मैप करेगी ऑफ अ सर्टन प्रोटोकोल पोर्ट दैट refers to a certain application to the corresponding protocol identifier that refers to a, that specific application on the local operating system. Let's suppose you are talking about the protocol port 7 students um, in UDP this is actually used for echo messages. say ye eco messages protocol so, port number specify a UDP message, डेफिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंचेगा वो दैट प्रोटोकॉल पोर्ट से मैप करेगा टू द कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिफायर ऑन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज प्रेजेंट फॉर द इको मैसेज और इसको मैप करके वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक ले जाएगा एंड दैट्स हाउस यू कैन आइडेंटिफाई अ सर्टन एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन कम्प्यूटर बाई यूजिंग दिस मैपिंग और बाई यूजिंग द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑफ द आइडेंटिफिकेसन इस तरह से आप मल्टीपल एप्लीकेशन जो कि आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर रन कर रही हैं उन मल्टीपल एप्लीकेशन में से एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग योर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में इन हम इस यू के मैसेज को यू uh, के पी के डिस्कशन को और आगे लेके चलेंगे इस uh, प्रोटोकॉल जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है यू इसको uh, ख़त्म करेंगे इसकी डिस्कशन को ख़त्म करेंगे एंड विल गो ऑन टू टॉक अबाउट द टी प्रोटोकॉल लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले क्या आपसे ज़्यादा चाहूँ विल गो बैक टू टू लेक्चर एंड विल हैवे अ ब्रीफ़ समरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी वेंट थ्रू एन टू लेक्चर तो so, स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में um, हम लोगों ने अपनी बात स्टार्ट की अबाउट द सर्टेन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स डेट आर यूज इन द टी सी पी आई और मैंने आपको बताया कि क्यों हमें इन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है द रीज़न फॉर दैट इज कि हमारा आई जो है दैट इज़ अ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल दैट कैन नॉट स्पेसिफाई सर्टन एप्लीकेशन दैट इज़ रनिंग ऑन द डेस्टिनेशन कंप्यूटर Students, transport protocols—they are end-to-end -end protocols. Using these protocols, we can specify certain applications that are running on different computers. Uh, students, another transport protocol that is a part of TCP/IP protocol suite that we talked about today, that we started off today, that is the User Datagram Protocol, or per UDP. Now, uh, students, दूसरा TCP protocol hai इसको next chapter my study करेंगे. UDP मैं स्टूडेंट्स आपने ये देर आर सर्टन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस यू डी पी एक ब्रीफ थी आपने लिस्ट देखी उन करेक्टरिस्टिक्स सी एंड देन वी वेंट हैक्टरिस्टिक्स वन बाय वन सबसे पहले आपने देखा कि कनेक्शनलैस पैराडिगम जो है दैट इज़ इन्वाल्व विद द यू डी पी सो यू डू नॉट नीड टू इस्टेब्लिश और टर्मिनेट कनेक्शन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली यू कैन हैव लार्ज गैप बिटवीन द मेसेज ऑफ द यू डी पी And students these gaps, they do not need any uh, you know stuffing in there, they do not need any um, control messages in there. So all you have in the case of UDP are data messages, no control messages. So it also allows you to prevent the overhead that is attached with UDP. Oskeba students message oriented interface UDP case messages are not broken down into packets, nor they are combined on the रिसीविंग एंड और स्टूडेंट्स इसकी वजह से uh, कुछ एडवाटेजेस हैं इस इस केस के एंड देर आर समिसडवाटेजेस और मैंने आपको बताया कि एडवाटेज ये है कि प्रोटोकॉल योर मैसेज बाउंड्रीज दे आर कन्जर्वड एंड स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड द डिसडवाटेज आर के आपका जो आई पी डाटाग्राम साइज है दैट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज यू कैनॉट यूज एक्सट्रीमली स्मॉल मैसेजेस एंड यू कैनॉट यूज एक्सट्रीमली लार्ज मैसेजेस उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बात की अबाउट द यू डी पी कम्युनिकेशन समेंटिक्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी को सपोर्ट करता है हमारा यूडीपी। डी पी दैट इज द सेम सीमेंटिक्स एज इन द केस ऑफ आईपी। और आपको मैंने बताया कि बिकॉज यूडीपी आल्सो हैज टू यूज द सेम बेस्ट एफर्ट सो वी कैन हैव प्रॉब्लम डुप्लीकेशन डिले इन डिले सो यू नो लॉस द मैसेज लॉस सो देर शुड बी सर्टन मयमेंट्स देर शुड बी सर्टन पैरामीटर्स दैट शुड भी टेकन केयर ऑफ वन यू आर डीलिंग विद दिस यू बिकॉज इट यूज दिस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी स्टूडेंट्स कुछ इंटरेक्शन की बात की एंड वी 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 सॉ दैट यू डी पी इन इंटरेक्शन वन टू वन वन टू मेनी मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी यानी डिफरेंट एप्लीकेशंस दो एप्लीकेशंस आपस में डायरेक्ट बात कर सकती हैं एक एप्लीकेशन मल्टीपल सेंडर से बात कर सकता है एंड सिमिलरली डिफरेंट एप्लीकेशन कैन एक्चुअली टॉक टू इच अदर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स की बात की हम लोगों ने और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में हम इस पी की डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदाफिज़